और स्पेशली जो लोग अभी जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा कोविड सही। है, तो आपके एक टेक अवेज या आपके थॉट्स क्या है, मतलब व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू वांट टू शेयर विद देम, भाई यू नो ये चीजों में थोड़ा ध्यान रखें या जो आपके वही मैं पेशेंट। पहले, हाँ, बहुत शुरू से ही ये एहतियात करना और ये अफवाहों पे भरोसा नहीं करो और ऐसी लापरवाही नहीं करो। इसलिए फैमिलीज इनसे इन्फेक्टेड होना बचना, ये अपने ग्रुप के और बाहर के सारे लोगों को कई तरीक़ों से समझाया बताया। और अभी जो है हालात फिर भी बहुत अच्छे हैं, कंट्रोल में है। हुकूमत ने 21 जुलाई से पूरा लॉकडाउन बिल्कुल ख़त्म कर दिए। जी उसके बाद लोगों का मिक्सअप हो रहा है, मस्जिदें खुल गई हुई है, तो इसमें अब लोग फ्री है, घूम रहे फिर रहे हैं बस। मगर एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज़्यादा बढ़ गए, इसकी वजह से लोगों में जी सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो कांटेक्ट में आकर रह रहे हैं। तो उसमें होते होते क्या हो रहा है कि वो कोई कमज़ोर आ जाता है सामे पर्सन, तो उसको ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है। और इसके अंदर लोड है, ये वायरस के लोड है ऐसे कि कोई ऑलरेडी किसी का लंग्स का कोई डिजीज था या कोई अंडरलाइंग डिजीज है प्री तो वो कंडीशंस टॉलरेट, ज्यादा हाँ, है। जी वो लोग टॉलरेट नहीं कर सकते। तो फिर इससे आदमी को, सबको मैं वही बताऊंगा, टेस्ट करवाते रहो और ज़रा डरना नहीं है। और यहाँ पर जो है हुकूमत जो है हर तरफ से सहूलत दे रही है, अभी तो फायदा उठा लें। अब पहले तो स्वाब टेस्ट, ये टेस्ट सारे करते ही नहीं थे ये लोग, जी खाली बस सिम्टम्स पूछ कर और गाइड कर देते थे, ये खाएं बस पैरासीटामोल, विटामिन सी, जिंक ले लो, विटामिन डी ले लो, ऐसे ऐसे। लेकिन अब केसेस बढ़ते गए और तो मामला फिर भी अभी बहुत अच्छे कंट्रोल में है। लोगों ने मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा खा चुके हैं, इसलिए उनकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी बढ़ गई हुई है अभी हाँ, 2 महीने वो से। हर्ड इम्यूनिटी तो एक कंसेप्ट चली रहा है कि एक बार वो आप एक्सपोज हो जाए तो एक हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो सकती है। तो जजाक अल्लाह हाँ। खैर।